गुलामी से हम आज़ाद हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं, किसी के बंधन में नहीं है, किसी की रुकावटों में नहीं है। धन्यवाद यह चाहते हैं तमाम उन दिवंगत आत्माओं के लिए जिनके अथक प्रयास और मेहनत और खून पसीने की वजह से हम स्वतंत्र किए गए। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि स्वतंत्रता के साथ में इस बात को एक चिन्ह के तौर पर दिखा सकते हैं सारे देश के अंदर, इस झंडे को लहरा करके, तिरंगे को लहरा करके, कि हमारा जो अधिकार हमको उस समय प्राप्त हो गया उसमें हम चित्त मना सकते हैं और उन लोगों को स्मरण कर सकते हैं जिनके प्रयास और जिनकी मेहनत यहाँ पर रही है। परमेश्वर उन लोगों की रूहों को आशीष दे और उनको सुरक्षित रखे, उनके परिवार को सुरक्षित रखे, ताकि उनकी जिंदगियाँ जिन्होंने बड़ी मेहनत करी है उनके परिवार उसके प्रतिफल को प्राप्त करें। हमारी प्रार्थनाएं उनके अथक प्रयास और उनके खून पसीने के लिए धन्यवादी हैं, कृतज्ञ हैं कि जिनकी इतनी मेहनत के द्वारा आज हम स्वतंत्रता के इस मुकाम पर खड़े हुए हैं और आज उसके इस 74 वर्षगांठ को हम मना सकते हैं कलीसियाई तौर पर, क्योंकि हम सब बेशक धर्मों में अलग हैं लेकिन एक ही भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी भारत में रहते हैं, उसी भारत की उपज खाते हैं और उसी भारत में हमारा जीना और उसी भारत में हमारा मरना है। तो इसलिए हम किसी भी मायने से अलग नहीं हैं, हम एक हैं, एक मन है और एक जान है। तो इसलिए परमेश्वर को हर एक चीज़ की धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदा का कलाम हमको ये सिखाता है कि हमको और आपको उस परमेश्वर की अधीनता के बाद में तमाम सरकारों के भी अधीनता में रहने की जरूरत और आवश्यकता है। तो हम और आप उसके बताए गए पदचिन्हों पर आगे चलें और बढ़ें और उसकी आज्ञा पूरी करें। इस समय प्रार्थना करेंगे, मैं गुजारिश करूंगा मिसेस एस्थर जेकब से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आगे आ जाइए। प्रार्थना करें। आप सबको जय यीशु मसीह। जय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये सुबह सुंदर दिखाई और खुदावन जब भी हम रात को मीठी नींद से सोए और ये रोशनी तूने हमको ये जी खुदावन खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं कि जितने भी आज खुदावन तेरे पास पवित्र भवन में आए हैं सबको खुदावन अपने आशीषों से भरपूर कर। और पिता परमेश्वर यहाँ पर जितने भी इस झंडे को सलाम करने के लिए आए हैं, इसका इसको गणतंत्र दिवस के रूप में बनाने को आए हैं खुदावन, तो इस पर भी अपनी आशीष दे क्योंकि खुदावन काफ़ी समय हो गया है, पूरा साल हो गया और आज ये नया साल फिर हमें दिखाया है इस झंडे के द्वारा, इस तिरंगे के द्वारा। खुदावन खुदा अपने खादिम को आशीष दे, बरकत दे कि वो हर साल यहाँ पर इस तिरंगे की इज्जत करने के लिए और इसको मनाने के लिए और इसको फहराने के लिए हम सबके बीच में हाजिर होते हैं। पिता परमेश्वर तो इस देश के बड़े बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेतागण और जो छोटे नेतागण हैं सबके साथ हो और सबको सब बुद्धि दे खुदावन, इस देश को साथ इंसाफ के साथ लेके चले और इस देश के साथ इसका ख्याल रखें। पिता परमेश्वर आप आगे की प्रार्थना को तेरा हाथ में सौंप दे खुदावन, तेरे पवित्र भवन में होगी तो उस पर अपने आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। और गीत के बोले हम होंगे कामयाब।
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। शांति चारों होगी, शांति चारों होगी, शांति चारों रे दिन। ओ मन में विश्वास पूरा है मुझका, होगी शांति चारों रे दिन। नहीं गलत के अवस्था में आ जाएंगे, और जैसे ही झंडा रोहण होगा वैसे ही हम सब लोग अपने राष्ट्रगान को एक साथ मिलकर के गाएंगे। और राष्ट्रीय गान जब गाया जाता है तो ताली नहीं बजेगी, राष्ट्रीय गान जब गाया तो ताली नहीं बजेगी। आपको राष्ट्रीय गान गाना है सावधान की अवस्था में। Thank you.